नमस्कार दोस्तों, उन्नीस अंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज मैं कुछ ऐसे टेक्स्ट पर बात कर रहा हूँ जो कि आपको दोस्तों हिंदी, जी हाँ, बहुत सारे लोग जो है हिंदी के बेसिक ज्ञान को नहीं समझते। अगर हिंदी के बेसिक ज्ञान को समझते हैं तो वो भी जानेंगे, और बेसिक ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी, जी हाँ, अंग्रेजी के सब तमाम पहलुओं को जानेंगे। लेकिन विषय में प्रवेश करने से पहले देखिए, ये पाठ्यक्रम जो है भारत सरकार, जी हाँ, ये जो सिलेबस है भारत सरकार और भारत के जितने सारे राज्य होंगे, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, तो वही है आपका। उसी नोट से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो भी है, अगर आप कर्मचारी हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी दोस्तों, क्योंकि सीखना तो मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है प्रबोध पाठ्यक्रम, जी हाँ, प्रबोध कोर्स किट है एक, और ये जो पाठ इसमें 1 से लेकर 25 तक आपको मिलेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। तो और ये अगस्त का किट है, जो कि अगस्त 2024 का किट है। जाहिर सी बात है, भारत सरकार का है, और सिर्फ जो है इसका उपयोग जो है ज्ञान वाली बातों जो मतलब शेयर करता हूँ उस पे ही, इस पे आपको फोकस रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये कॉरेस्पोंडेंस विंग हिंदी, यहाँ ये जो है कॉरेस्पोंडेंस कोर्स के लिए तैयार किया गया है सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधा टेक्स्ट पे आते हैं। जिनको भी पढ़ना सीखना है वो भी देखिए यहाँ से आप हम लोग सीखेंगे क्या कहता है। देखिए यहाँ तो देखिए, ट्रेनी डियर ट्रेनी, डियर ट्रेनी, यू आर वेलकम टू द प्रबोध कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। ठीक है, यू विल फाइंड हेयर विद द फर्स्ट लेसन डिस्पैच, देर आफ्टर यू विल रिसीव सब्सिक्वेंट लेसन यूनिट्स एवरी मंथ टिल मार्च नेक्स्ट, अगले 2025 तक, विच विल बी द लास्ट डिस्पैच बिफोर योर एग्जाम एग्जामिनेशन स्टार्ट इन मे। द लेसन विल बी मेल्ड टू यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। इच डिस्पैच विल बी अकम्पनाइड बाई रिस्पॉन्स शीट्स विच आर टू बी अटेम्प्टेड अटेम्प्टेड बाई यू एंड एंड रिटर्न टू अस फॉर ईवेल्युएशन। We attach rather greater importance to your attempt on the response sheets, and in fact, it is only on the basis of your performance in the response sheets that we are able to provide you the proper guidance and further remedial material for improvement. Hence, I advise you to be regular in sending your response sheets for evaluations from the beginning itself. Marks obtained by you and these response sheets will be counted for an internal assessment at the time of final examination. देखिए कैसे मैंने इसे पढ़ दिया, आपको कैसे पढ़ना चाहिए इस पे फोकस कीजिए। देखिए बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ डियर, जिसमें ई आर है, डियर डियर ट्रेनिंग। अब देखिए यहाँ, यू आर वेलकम टू द प्रबोध कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के बारे में चर्चा हो रही है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो है हम लोग को पढ़ना है। आगे चलिए, टेक्स्ट जिसको नहीं पढ़ना आता उनको समझना है किस तरह से। आई वुड लाइक टू स्ट्रेस हेयर दैट सिंस द कोर्स ऑफ स्टडी स्टिप्यूलेटेड फॉर द प्रबोध कोर्स इज क्वाइट लार्ज, यू आर रिक्वायर्ड टू पुट इन हार्ड वर्क एंड बी रेगुलर इन स्टडिंग इन द लेसन सेंड टू यू। आवर लेसन डिस्पैच मे एट टाइम्स कंटेंट सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल ऑल्सो इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द प्रिस्क्राइब कोर्स इन द इन टाइम। वंस अगैन आई वेलकम यू टू दिस कोर्स एंड होप दैट आवर प्रोग्राम विल inculcate in you a new enthusiasm to learn Hindi and
to use it more and more in your official works. Since your sincerely, actually आगे तो ये आपने देखा ही. अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ word with the student guidance, guidelines for the study के लिए. तो देखिए कैसे पढ़ना है. देखिए यहाँ से आप ये सीख रहे हैं कि भाई कैसे इसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. मेरे को नहीं पढ़ने आता, रिपीट कीजिएगा हमारे साथ. डियर स्टूडेंट्स, थ्रू दिस नोट वी विश टू लेट यू नो हाउ वी इंटेंड टू प्लान आवर टीचिंग एंड इंटर्न. है ना, क्या है प्लान आवर टीचिंग एंड इन जो है इंटर्न. हाउ वी एक्सपेक्ट यू टू प्रोसीड विद आवर प्लान. लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस इज अ डेलिकेट टास्क एंड laxity or carelessness on your part in keeping a plan. Yeah, keeping a plan schedules at any stage might have an adverse effect in your progress. Your success in making satisfactory progress will largely depend upon how regular and consistent you are in attending to our lessons and sending us your response sheets, as this will help us to keep a constant watch on your progress and to provide you regular and proper guidance. ठीक है दोस्तों, और देखिए आपके लिए और मैं टेक्स्ट थोड़ा सा रीड करूंगा, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि भाई इस तरह से रीड करना चाहिए. What will our dispatcher contain? You will receive our instructional material every month. Our monthly dispatch will consist of a kit containing lessons, b their response sheets, and c supplementary and ancillary materials whenever necessary. देखिए a lessons unit will contain the study material for you. For 1 month, sentence patterns, vocabulary, and sound introduced in a particular lessons are shown prominently at the very beginning of the lessons. For your convenience, some of the initial lessons units are concluded by a section named summary, which may contain a tabloid gist of the lessons, review material, pronunciation drill, or अदर प्रैक्टिस मटेरियल. देखिए बी में क्या है, बी में जैसा कि चर्चा हो चुकी थी, बी में यहाँ चाहते हैं रिस्पॉन्स सीट. इच लेसन यूनिट विल बी अकम्पनाइड बाई रिस्पॉन्स सीट्स कंटेनिंग एलोबोरेटेड एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन टू बी द अटेम्प्ट बाई यू. दिस विल एनेबल यू टू एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग as soon as you finish the text part of the lessons. These response sheets are so designed as to provide you practice material and at the same time to test your attainment. These response sheets are to be attempted in your own handwriting and returned to us for evaluation within four night to its receipt. है ना, ये देखिए ये रिसिप्ट नहीं पढ़ेंगे, रिसिप्ट पढ़ेंगे पी साइलेंट होता है यहाँ पर. ठीक है, एक और चलिए आपके लिए यहाँ से पढ़ दूँ. सी एनसिलरी एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल. अ लेसन यूनिट विल बी अकम्पनाइड बाय एनसिलरी एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल व्हेनेवर नेसेसरी. इट मे कंसिस्ट ऑफ चार्ट ऑन कंसोलिडेट मटेरियल पर्टेनिंग टू वेरियस टीचिंग पॉइंट्स, मटेरियल फॉर रेडी रेफरेंस like list of basic vocabulary per phrases and idioms, numerical synonyms and antonyms, charts of sentence pattern etc. दोस्तों ये मैंने आपके लिए इतना टेक्स्ट पढ़ा. और देखिए ये टेक्स्ट पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या था, इस टेक्स्ट को पढ़ने के पीछे उद्देश्य ये था कि आप अगर इंग्लिश नहीं सुनते हैं तो आपको वर्ड्स कभी भी नहीं पकड़ में आएंगे. तो कैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए नए हैं अब कुछ नहीं पढ़ने आता, तो ये एंसिलरी मैंने बोला आपको तो कैसे समझ भी नहीं आएगा कि कैसे मैंने पढ़ा. सप्लीमेंट्री बोला तो ये सब वर्ड्स
कॉन्सोलिडेट बोला, तो ये सब वर्ड्स आपके दिमाग में आना चाहिए ताकि कभी भी आप सुने देखे तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर सकें कि भाई ये वर्ड्स क्या लिखा हुआ है, कैसे पढ़ सकते। दोस्तों अब जो है कुछ और जो टेक्स्ट बचे थे वो टेक्स्ट मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगा, क्योंकि वो टेक्स्ट भी पढ़ना जरूरी है और लेसन पे भी हम लोग फोकस करेंगे। देखिए इस अब बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो इंस्टीट्यूट्स है, वो ऐसा समझता है कि भाई जो कर्मचारी है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या कर्मी हो, निम्न स्तरीय कर्मी हो, जो भी हो, फोर्थ ग्रेड भी जो भी, तो उनको हिंदी नहीं आती है, ऐसा समझकर उन्होंने जो है ये बनाया है। और इसका हम लोग फायदा उठाएंगे कि भाई जो हिंदी से इंग्लिश से अगर हिंदी मतलब इंग्लिश से हिंदी सिखाना है तो उसमें जो इंग्लिश का योगदान है तो उस योगदान को हम लोग हिंदी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए पाठ, यहाँ जो पाठ लिखा हुआ है, पाठ पाठ का मतलब लेशन होता है, और लेशन स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट चार्ट है। स्क्रिप्ट चार्ट क्या होता है, देखिए स्वर स्वर को ऐसे लिखा जाए एस वी ए आर एस स्वर, और ये वॉवेल्स है, स्वर को वॉवेल्स कहते हैं, और वॉवेल्स 13 होते हैं। देखिए अ आ ई ई उ, यानी छोटी बड़ी, छोटी उ बड़ी उ, री री, ए ऐ ओ अ अन अ, जिनको भी नहीं आता वो नोट कर लें। अब देखिए ये तो आपने देखा स्वर को देखा, अब देखिए भोवल को वो देखते हैं, सॉरी भोवल मतलब भोवल नहीं भोवल था ही, अब व्यंजन को देखते हैं, यानी कि व्यंजन वी वाई ए एन जी व्यंजन व्यंजन, और ये इसको कॉन्सेंट करते हैं, और ये 39 होता है। कितना होता है 39, मैं 36 हमेशा बात करता था 36, लेकिन 39 यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे, एक्चुअली है भी। जैसे देखिए कुछ और है, जैसे देखिए क ख ग घ अंग, इस क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, त थ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालाविश मूर्धन्य। देखिए ये है तालाविश, ये मूर्धन्य, ये दंश, दंश लास्ट में आएगा, और ये ह है, ठीक है, ये हा है, और इसने आपको देखा कि किस तरह से इसको पढ़ना है। अब दोस्तों देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है, कंजंक्ट कंसोनेंट और कंपाउंड कंसोनेंट कर सकते हैं संयुक्त व्यंजन। तो देखिए आपने ह तक देखा, अब ये अक्ष त्र ज्ञ, ये क से ज्ञ तक है, तो 40, 41, 42, 43 है ना, 44, 45, 40, 48 टोटल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए संयुक्त व्यंजन को याद रखिए, अक्ष यानी अक्ष में क छ है, क आधा क और अक्ष क अश है, अत्र में त र है, ज्ञ में ग य है, अत्र में स र है, इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन है। एडिशनल कॉन्सोनेंट जो अतिरिक्त जो व्यंजन है, जैसे अड़ 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 आता है क्या आपको बोलने। अब देखिए साउंड बोरोड फ्रॉम उर्दू लैंग्वेज, यानी कि अरेबिक या पर्शियन से लिया गया है, जो कि कॉन्सोनेंट में शामिल कर दिया गया, ज फ बिंदु के नीचे ज है, ज के नीचे बिंदु है, फ के नीचे बिंदु है, ऐसे क ख ज फ जो है अरेबिक या पर्शियन उर्दू से उर्दू लैंग्वेज से लिया गया है। लेकिन यहाँ सिर्फ जो ऐड हुआ है कॉन्सोनेंट में वो है ज फ। और देखिए इंग्लिश से क्या लिया गया है, हिंदी में अ लिया गया, अ अ ये हिंदी से लिया गया, अ हम लिखते हैं ऑनलाइन है ना, एडेड विद द वॉवेल्स, एडेड विद वॉवेल्स, तो ये ऑल लिया गया। तो इसको आप समझिए, ये बहुत ही ज्ञान परक बातें हैं, इंग्लिश को सीखना है तो भाई जाहिर सी बात है हिंदी के थ्रू ही हम लोग अच्छे से सीखेंगे। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए लेसन टू में आते हैं। लेसन टू में क्या है, लेसन टू यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट, जिनको भी नहीं आता है पढ़ने तो वो अब याद रखें कि भाई पढ़ना सीखना है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेसन टू, जैसे कि अघोष, अघोष को इनवॉइस कहेंगे, अघोष को इनवॉइस, घोष को वॉइस, घोष को वॉइस बोलेंगे, एंड अल्पप्राण अन अन एस्पिरेटेड, महाप्राण एस्पिरेटेड एस्पिरेटेड, अल्पप्राण अन एस्पिरेटेड, और महाप्राण को एस्पिरेटेड बोलते हैं, अनजल कुछ नहीं जिसका इस्तेमाल नाक से होता है ना, नजल जैसे अंग
या नजल नाक से होने वाला। तो देखिए आप यहाँ पर समझिए कि भाई कौन सा अक्षर कैसे किसे किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। कंठ है, कंठ से क क कंठ हमारा। आप मुख देख रहे हैं, हमारे मुंह में, आप मुंह को खोलिए, मुंह में आप देखिए हमारा जीभ है, जिह्वा है, दांत है यानी टीथ है, ओष्ठ है, फिर जो ऊपर का तालु है, उसके बाद कंठ है। कंठ तो देखते हैं ना, कंठ जो लटका हुआ रहता है, मुंह खोल कर देखते हैं हम लोग ना कंठ को, वही कंठ है। कंठ है तो कंठ यानी गुटरस, गुटरस इंग्लिश से बोलेंगे कंठ को, गुटरस बोलेंगे। और देखिए कंठ से हम लोग बोलते हैं क ख ग ख अंग अंग। अब देखिए क का अंग्रेजी लिखता है गुटरस में के ए, के से क, के एच ए से ख, जी से ग, जी एच ए से ख, एन ए से अंग। हालांकि एन जी मैं लिखता हूँ, एन जी से अंग अंग, लेकिन यहाँ पर एन ए से अंग लिखा गया है। अब देखिए तालाब है यानी कि प्लेटस, तालाब यानी प्लेटस, जैसे तालाब है, जैसे च देखिए तालु से, इसे इसमें तालु का इस्तेमाल किया गया, तालु जीभ वाला जो है ना, जीभ, जीभ के ऊपर च जीभ, देखिए जीभ के ऊपर का हिस्सा यानी दांत के पीछे का हिस्सा हटेगा, जीभ और तालु में हटेगा। च छ च छ ज छ या ये, चूंकि नजल से नाक से बोला गया है। और अब देखिए कुछ महाप्राण, यल प्राण है, ये महाप्राण है, यल प्राण है, महाप्राण है। तो प्ले पैलेट, पैलेटल से देखिए सी एच ए से च, सी डबल एच ए से छ, जे से ज, जे एच ए से झ, और एन एच तो यानी नजल है इसलिए इन्हें लिख दिया गया, हालांकि वाई एन से यहाँ होता है। उसके बाद देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि सेरेब्रल, सेरेब्रल जैसे ट ट मूर्धन्य, मुख का मूर्धन्य हिस्सा है, और ट जैसे कि ट तालु के जस्ट नीचे जो है मूर्धन्य, जैसे ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। सेरेब्रल का अंग्रेजी क्या होगा, टी से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से ण, लेकिन नजल से। अब देखिए का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। दंत, दंत मीन्स दांत का इस्तेमाल करते हुए जो है कॉन्सोनेंट का उच्चारण। तो देखिए दांत अजीब एक साथ सट रहा है, तो थ फिर सटा, द में देखिए सटेगा द ध न न न, नजल से होता है यानी डेंटल से, डेंटल से इस्तेमाल होता है, टी से ट, टी एच से ठ, थ डी ए से ड, द डी एच ए से ध, है ना। ऊपर वाला नीचे वाला सेम टू है, लेकिन ऊपर वाला जो है सेरेब्रल से है, जबकि नीचे वाला जो है डेंटल से है, ठीक है, जो आसपास में ही है। तो द डी एच ए से ध, एन ए से न, ओस्ट से यानी ओस्ट यानी, ओस्ट यानी कि होंठ से, प फ ग फ और म। अब देखिए इसका यानी ओस्ट को लेबियस कहते हैं, पी ए से प, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच से भ, एम ए से म। देखिए अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर, अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर कौन कौन है, य है, र है, ल है, व, य र ल व, य र ल व, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, य है, अंतस्थ व्यंजन या आधा स्वर कह सकते हैं, य र ल व, सेमी वोवेल्स को कहते हैं इंग्लिश में, वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, वी ए और डब्ल्यू ए से व होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और ये रहा हमारा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए उष्म वर्ण, उष्म वर्ण यानी तालाबिश, मूर्धन्य, दंश। तालाबिश का से सिविलेंट है, सिविलेंट इसको बोलेंगे, उस वर्ण को एस एच एस एच एस मूर्धन्य, और दंश के लिए ऐसे महाप्राण जो है ह होता है, एस्पिरेटेड यानी एच ए से ह,
संयुक्त व्यंजन में अक्ष होता है, कंजंट कॉन्सोनेंट इन अक्ष में के एस एच एस अक्ष, त्र का टी आर ए, ज्ञा का जी जे ए जे एन ए और जी वाई, ज्यादातर जी वाई ए का इस्तेमाल होता है, और श्र का एस एच आर ए श्र एस एच आर ए श्र। दोस्तों आपने ये देखा, अगर आपको ये नहीं आप इसको फोकस करेंगे तो आप बहुत बड़ी बात मिस कर जाएंगे। ठीक है, इसको याद करिए, क्योंकि अगर आप किसी के व्यक्ति का नाम पता कुछ लिखना चाहते हैं तो यहीं से आपको ये लिखने को मिल जाएगा। तो आप लगातार बने रहे हमारे साथ, तो सीखते रहें हिंदी से इंग्लिश। जी हाँ, तो हिंदी से इंग्लिश कैसे हम लोग सीख सकते हैं इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो का बहुत ही फायदा होने वाला है। दूसरे इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।